सो हेलो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का एक न्यूमेरिकल। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो लेंथ है किसी सस्पेंडेड वायर की वो इंक्रीज हो गई है 10^4 - 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ को चेंज किया गया है, तो यानी ये जो डेल्टा एल है वो किसके इक्वल होगा, ये 10^-4 टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल, ओरिजिनल वाला होता है एल। तो इतने टाइम्स अगर इसको बढ़ाया गया है, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में बता रखा है कि डेल्टा एल, और अगर इस एल को नीचे ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो डेल्टा एल अपॉन एल का जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है 10^-4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वेयर इज योर डेल्टा एल इज दी इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ, आप कोई प्रेशर डालोगे तो लेंथ में तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये तो है आपका पहला चीज जो आपको यहाँ पे गिवन है। और डेल्टा एल अपॉन एल को कहीं ना कहीं यू गाइज नो, इसको स्ट्रेन भी बोला गया है, इसको एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला गया है, ये आपने पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल्स में। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये आपको यहाँ पे दे रखा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है बेटा, जब इसका मतलब ये है जब आपका चेंज हो जाता है लेंथ में। तो दिस इज दी चेंज ऑफ लेंथ, और ये डिनोमिनेटर में एल होता है, और इस एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ। तो बेसिकली ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ जो आपकी लेंथ में चेंज हो रहा है, और ये जो आपकी ओरिजिनल लेंथ होती है किसी भी क्वेश्चन में, उसको बोला जाता है स्ट्रेन। तो ओरिजिनल लेंथ तो यार, अगर मैंने एल लिया है तो चेंज इन लेंथ आपने डेल्टा एल देखा, तो ये डेल्टा एल अपॉन एल यानी 10^-4 इज नथिंग बट योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैं यहाँ लॉन्गिट्यूडनल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो थी बिल्कुल पहली चीज। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल आई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक स्ट्रेस भी दिया है, आपने जो स्ट्रेस दिया है वो दिया है यहाँ पे 10^7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो आपने स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स को बोला जाता है, ये एक इंटरनल फोर्स होती है बेटा, है ना, जो कि आप अप्लाई करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में। जब कोई फोर्स लगता है तो एक इंटरनली फोर्स लगती है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो ये एक इंटरनल फोर्स होती है जो कि आपका एफ अपॉन ए की फॉर्म में ही होती है, यह हमें पता है। तो यहाँ पे मुझे यंग मॉड्यूलस चाहिए इस मटेरियल की वायर का। तो यंग मॉड्यूलस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किस चीज से, तो यंग मॉड्यूलस इज नथिंग बट इज योर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जो भी आपका स्ट्रेस होता है और जो भी आपका स्ट्रेन होता है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा, तो स्ट्रेस आपका है 10^7, और स्ट्रेन आपने यहाँ पे देखा था वो था 10^-4। अभी अभी आपने यहाँ पे निकाला था इस चीज को, और इसको अगर मैं ऊपर स्विच कर दूँ तो ये हो जाएगा 10^11। अब क्योंकि ये यूनिट लेस था, इसके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू था, तो ये यूनिट आपकी यहाँ पे एज इट इज इंटैक्ट रहेगी। सो दिस इज योर आंसर। होपफुली द न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। थैंक यू।